तो दोस्तों लेकर आ गया हूँ आपके लिए टॉप 5 बेस्ट MIUI 12 थीम की एक और न्यू स्पेशल वीडियो। और इस तरह की वीडियो में हम बात करते हैं कुछ इस तरह की 5 थीम्स के बारे में जिनमें लॉक स्क्रीन में कुछ स्पेशल देखने को मिलता हो या फिर होम स्क्रीन में कुछ स्पेशल देखने को मिलता हो, आइकन एनिमेशन या फिर कंट्रोल सेंटर या वॉलपेपर, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन। तो कुछ इसी तरह की थीम को सिलेक्ट करके एक वीडियो मैं बनाता हूँ। अगर आपने टॉप 5 बेस्ट MIUI 12 थीम के बारे में मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर इस तरह की वीडियो मिल जाएंगी। फिलहाल आज की वीडियो में कुछ इसी तरह की थीम्स हैं। अगर आप इन्हें अपने किसी भी Xiaomi Redmi मोबाइल में डाउनलोड करके अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं हूँ अनुज और आप देख रहे हैं डिजिटल अवतार चैनल। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अवतार चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज के अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों इस लिस्ट की जो फर्स्ट थीम है इसका नाम है लाइट ब्लॉक। और ये जो लाइट ब्लॉक थीम है ये आपको थीम ऐप पर मिल जाएगी। रीजन आपको इंडिया होना चाहिए। तो इस थीम को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसमें आपको जो वॉलपेपर है काफ़ी लाइट सा देखने को मिल जाता है लाइट कलर में, और कंट्रोल सेंटर यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है ये, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके आइकन पैक की तो आइकन पैक भी आपको काफ़ी शानदार सा देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं डायल पैड पर, तो डायल पैड में आपको कुछ इस तरह का वाइट बैकग्राउंड पर ये कुछ डायलर इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं सेटिंग्स की, तो आप देख पा रहे होंगे सेटिंग्स कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती हैं, मतलब काफ़ी लाइट वेट सी थीम आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर लॉक स्क्रीन की बात करें दोस्तों तो लॉक स्क्रीन पर आपको काफ़ी बड़ी सी क्लॉक विजिट देखने को मिल जाती है, बैटरी विजिट है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है जिससे आप लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है उसका कलर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह से आप कलर चेंज कर पाएंगे। तो अगर आप में से कुछ लोगों को लाइट थीम पसंद आती है तो उनके लिए ये थीम है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट थीम की, तो इसका नाम है रेड एंड ब्लैक मिक्स। तो थंबनेल में जो आपने फोटो देखी थी वो इसी थीम की है। तो इस थीम में कुछ आपको स्पाइडरमैन जैसा वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, पता नहीं स्पाइडरमैन है या क्या है। और क्लॉक विजिट काफ़ी अच्छी है। बात करें इसके कंट्रोल सेंटर की तो वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। रेड कलर के टॉगल्स जो हैं, टाइल्स जो हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। अब दोस्तों इसके डायल पैड की बात कर ली जाए तो आपको कुछ इस तरह का काफ़ी इंटरेस्टिंग डायल पैड भी दिया गया है। सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग्स आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी। ये थीम डार्क मोड को सपोर्ट करती है, तो डार्क मोड के साथ ये कुछ लुक आपको देखने को मिल जाएगा। आइकन पैक भी दोस्तों आपको काफ़ी पसंद आएगा इस थीम का, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आया है, हो सकता है आपको भी पसंद आए। लॉक स्क्रीन पर होम स्क्रीन की तरह ही एक स्पाइडरमैन जैसा वॉलपेपर है, कैमरा है, और यहाँ पर आपको एक और स्क्रीन मिलती है तो उस पर भी कुछ कंट्रोल दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट थीम की, तो इसका नाम है वन प्लस एक्सपीरियंस। तो अगर आप अपने Xiaomi Redmi Poco मोबाइल में वन प्लस वाला एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस थीम को आप डाउनलोड करके अप्लाई कर लीजिए। तो इसमें आप देखिए वन प्लस वाला वॉलपेपर है, टॉगल्स जो हैं रेड कलर के, टाइल्स रेड कलर के आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ लुक हो गया आप दोस्तों, ये नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में अगर हम बात करें डायल पैड लुक की तो वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ये थीम डार्क मोड को सपोर्ट करती है। सेटिंग्स का जो लुक है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। और अब यहाँ पर बात कर लें इसके आइकन पैक की, तो अगर यहाँ पर आपको वन प्लस जैसे ही आइकन पैक भी देखने को मिल जाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन पर एक और आपको वन प्लस का वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। बॉटम में ये कैमरे का ऑप्शन है, दूसरी तरफ डायल पैड का ऑप्शन है, और अनलॉक का ऑप्शन मिडिल में दिया गया है। डबल टैप करते ही यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन आ जाता है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है इस थीम के लिए। यहाँ पर आपको जो क्लॉक विजिट पर, मतलब लॉक स्क्रीन की जो क्लॉक विजिट है उसे चेंज करने का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप जो भी आपको स्टाइल पसंद आती है उस तरह की स्टाइल कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट थीम पर, तो इसका नाम है प्रोजेक्ट वन, और इसके जो डिजाइनर हैं वो हैं रोहित सिंह चौहान। अब इसे अप्लाई करने के बाद आपको कंप्लीट लुक दिखा देते हैं। तो वॉलपेपर काफ़ी अच्छा है, ब्लू रेड कलर का, क्लॉक विजिट काफ़ी शानदार सी देखने को मिल जाती है,
बैटरी विजेट जो कि नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है वो इस क्लॉक विजेट में दी गई है। और इस क्लॉक विजेट को आप और भी तरह की स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, तो इस क्लॉक विजेट को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे ही आप टेप करते जाएंगे तो यहाँ पर क्लॉक विजेट आपकी चेंज हो जाएगी। जिस तरह की क्लॉक विजेट आपको लगानी हो वो लगा लीजिए। फिलहाल इसका जो कंट्रोल सेंटर है वो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा, ग्रीन ब्लू येलो इस तरह के जो टॉगल्स हैं टाइल्स हैं वो इस तरह के दिए गए हैं। नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो सिंपल सा है, डायल पैड की बात करें तो वाइट बैकग्राउंड पर कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिलेगा डायल पैड में। सेटिंग्स की बात करें दोस्तों तो सेटिंग्स का लुक आपको MIUI 12 की जिस तरह की सेटिंग होती है डिफ़ॉल्ट जो लुक होता है वही दिया गया है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया है। आइकन की बात कर लें तो आइकन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लें अब लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन का जो लुक है वो देखिए होम स्क्रीन जैसे ही यहाँ पर क्लॉक विजेट आपको देखने को मिल जाती है कुछ कुछ, और जो ऐप शॉर्टकट्स भी हैं वो भी दिए गए हैं। बॉटम में आप देखेंगे तो व्हाट्सएप टेलीग्राम डायल पैड इंस्टाग्राम जैसे ऐप शॉर्टकट हैं। इस थीम की एक और खासियत है कि इसमें आपको ड्यूअल लॉक स्क्रीन मिलती है, तो एक स्क्रीन आपको ये भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी म्यूजिक कंट्रोल और भी काफ़ी सारे ऐप्स के शॉर्टकट दिए गए हैं। अब चलिए बात करते हैं एक और नेक्स्ट थीम की, तो इसका नाम है कलराइज्ड V12, इस नाम से आप सर्च कर लीजिए। और इस थीम में भी आपको जो क्लॉक विजेट है ना वो आपको काफ़ी पसंद आएगी। वॉलपेपर आपको लाइट सा देखने को मिल जाता है और इसमें एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक दोनों देखने को मिल जाती हैं। वेदर का ऑप्शन है, कैलेंडर का ऑप्शन है। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो ब्लू कलर के टाइल्स टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ कि ये भी आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। डायल जो यहाँ पर डार्क मोड को भी ये थीम सपोर्ट करती है, और यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल भी आपको काफ़ी अच्छा सा देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर डायल पैड की बात कर लें तो डायल पैड कुछ इस तरह का है और सेटिंग्स का जो लुक है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो सेटिंग्स में यहाँ पर कोई लुक चेंज नहीं हुआ है, डिफ़ॉल्ट ही है। अब दोस्तों ये तो कुछ लुक हो गया, अब यहाँ पर आइकन की बात करें तो आइकन भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे। चलिए अब चलते हैं लॉक स्क्रीन पर, तो लॉक स्क्रीन पर आपको होम स्क्रीन की जो क्लॉक विजिट थी उसी तरह का यहाँ पर क्लॉक विजिट दी गई है, और भी कुछ ऐप शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं। और जो यहाँ पर वॉलपेपर है एक डिफरेंट सा वॉलपेपर है, इसमें भी आपको दो लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ लुक है दोस्तों, अगर इन थीम में से कोई भी थीम आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ।